नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको मैं करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो कल हमने क्या है कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे जो कि आपने देख लिए होंगे, और लगभग हमारे क्या है 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स बेस पे। और अब हम क्या है डेली जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप भी क्या है थोड़ा सा सहयोग कीजिए अपने दोस्तों को, क्या है इसके बारे में शेयर कीजिए। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट के अंदर क्या दे रखा है R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और कंप्लीट सर्किट का जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 900 वाट दे रखी है कंप्लीट सर्किट की पावर। R2 यहाँ पर ये दे रखा है, R2 आपको ये निकालना होगा। अब आपको पता होगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर R2 निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक तो करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, करंट की वैल्यू पता होगी उसके बाद अगर आपको वोल्टेज पता हो तो करंट और आपके पास वोल्टेज है तो यहां पर आप R निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बटा में R होता है। यहां से हम R इस साइड लेके जाएंगे तो R बराबर V बटा में I, यहां से हम R भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सर्किट के अंदर क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एक तो दे रखी है पावर की वैल्यू, पावर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 900 वाट है पावर की वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज हमें मेन वोल्टेज कितनी दे रखी है 180 वोल्ट दे रखी है मेन वोल्टेज। इस बेस से आप करंट निकाल सकते हो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है P बटा में V होता है करंट का फॉर्मूला पावर के हिसाब से। ठीक है, पावर कितना दे रखा है हमारे पास 900 वाट पावर है, वोल्टेज कितना है 180 वोल्ट है, इसको कैंसिल करेंगे तो करंट आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब आपको पता चल गया अभी मेन करंट हमने निकाल दिया 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर यहां से होता हुआ अब यहां पर आने के बाद दोनों भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर पैरेलल के अंदर है तो आपको पता है पैरेलल के अंदर हमेशा करंट डिवाइड होता है और उसके बाद यहां से निकलकर वापस आ जाएगा। अब देखिए हमें यहां पर वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है एक ये सर्किट और एक ये सर्किट सीरीज के अंदर है दोनों ये। ठीक है, सीरीज में है तो इसमें वोल्टेज निकाल देंगे, उसके बाद मेन वोल्टेज से ये वोल्टेज माइनस करेंगे तो बचेगी वो यहीं पर बचेगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करते हैं, एक बार मैं इनको रफ कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप देखिए 20 ओम के अंदर हमें वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा V बराबर IR, I कितना जा रहा है यहां पर 5, ठीक है, गुणा में R कितना है 20 हो गया, तो कितना हो गया 100 हमारे पास क्या है वोल्ट, 100 वोल्ट हमने क्या है यहां पर निकाल दिया वोल्टेज। ठीक है, अब 180 मेन वोल्टेज है, 100 यहां पर आ गया, बचा कितना 80 वोल्ट हमारे पास इस दोनों सर्किट के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है आपको पता होगा, तो हमारे पास क्या है 80 वोल्ट यहाँ पर है, 80 वोल्ट इसके अंदर है। अब R1 है, इसके अंदर करंट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए R1 में हम जो करंट निकालेंगे तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है R1 के अंदर V बटा में R। ठीक है, वोल्टेज कितनी यहाँ पर, वोल्टेज 80 है क्योंकि इनके अंदर बराबर रहेगी वोल्टेज 80। R कितना है इसके अंदर, R जो रखा है 24, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 3.33 आपको ये मिल जाएगा एम्पियर करंट इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए मेन करंट आ रहा है 5 एम्पियर यहां से 5 एम्पियर, और 3.33 इस साइड चला गया, बचा कितना है, बचेगा हमारे पास जो वो इस साइड आएगा। ठीक है ना, जो भी करंट बचेगा वो हमारे पास के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास बचेगा कितना करंट, तो मेन करंट कितना है 5 है, माइनस हमें करना है 3.33, इसको हम माइनस करेंगे तो आप कर सकते हो 5.00 यानी कि 3.33 इसमें माइनस करेंगे तो 7 यहां पर कितने बचेंगे, 9 में से 3 गए 6 और यहां पर 1 बचेगा तो 1.67, तो हमारे पास क्या है 1.67 एम्पियर करंट किसके अंदर आ जाएगा, 1.67 एम्पियर करंट आएगा R2 के अंदर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है तो R निकाल सकते हैं। देखिए R2 निकालने के लिए क्या होगा, V बटा में I, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज दे रखी है 80 और करंट कितना दे रखा है 1.67 करंट है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी लगभग 48 ओम के करीब हमारे पास क्या है R की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमने क्या है R2 ही निकालना था तो R2 हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट बताया, सबसे पहले हमें कहां से कहां तक ये चलना है। ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये जो सर्किट है इसके अंदर 8 वोल्ट की बैटरी को, 8 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ रखी है, एबी पर लगाने में कितनी धारा देगी। ठीक है, आपको बस मेन करंट निकालना है, काफी इजी सर्किट है ये। ठीक है, मेन करंट आपको निकालना है, तो आपको पता है मेन करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा में आर। वोल्टेज कितनी दे रखी है, 8। अब आपको आर निकालना होगा। आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि जहां पर भी पॉइंट दिए हुए हैं उसके हमेशा विपरीत साइड में जाएं और इन तीनों प्रतिरोध को हम देखेंगे, तीनों प्रतिरोध में करंट सेम है, कहीं पर भी नहीं बंट रहा। अब तीनों के अंदर करंट सेम है तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 2 + 3 + 1 यानी कितना हो गया, 6 ओम का ये बन गया। ठीक है, इन तीनों को हल करने के बाद आर कितना मिल रहा है, 6 ओम। ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है, पैरेलल के अंदर है। ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल के अंदर है, तो 6 ओम पैरेलल में है, 6 ओम पैरेलल में है, तो यानी कि आपको पता है 6 गुणा में 6 और 6 प्लस में 6, इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3 ओम हमारे पास आ जाएगा। तो यहां तक हमने कितना निकाल दिया, 3 ओम निकाल दिया। ठीक है, यहां तक हमने 3 ओम निकाल दिया। उसके बाद कितना है, 3 ये बचा, 3 ये और 2 ये सारे सीरीज के अंदर होंगे, तो 3 3 6 और 2 8, यानी कि टोटल आर कितना आ गया, 8 ओम टोटल आर निकल गया है। ठीक है, और यहां पर देखिए वोल्टेज 8 है हमारे पास और आर भी कितना आ गया, 8 ओम, तो करंट कितना मिल गया, 1 एम्पियर टोटल करंट मिल जाएगा, जो कि यहां पर होगा 1 एम्पियर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या है, थोड़ी सी क्या जो कैलकुलेशन होती है वो ज्यादा होगी, तो एक बार थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, इस सर्किट के अंदर आपको क्या है, टोटल आर निकालना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। श्रेणी समानांतर परिपथ का तुल्यकाल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद क्या दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए तो कितनी धारा होगी। टोटल आर निकाल देंगे, अगर हम यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी भी लगा देते हैं तो टोटल करंट कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आर निकालने के लिए, अब ये तीनों हमारे पास किस में है, पैरेलल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 16, 4 × 16, 8 × 16, 16 × 16। ठीक है, 4 × 2 6 और 1 7, 7/16, ये हमारे पास 7/16 1/r निकला है। अगर हम r निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16/7, रकम पलटनी पड़ेगी, ये मत भूल जाना कि रकम ना पलटो आप। ठीक है, इसका हमारे पास कितना हो गया, 16/7। इसका देखिए, इनका तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 6 × 4 और 6 + 4 तो कितना हो गया, 6 × 24 और यहां पर कितना हो गया, 10, यानी कि 2.4 ये हमें मिल गया और 2.6 आगे दे रखा है। अब हम क्या, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, देखिए 7 × 14, ठीक है कितना बच गया, फिर 2 बचा है, फिर हमारे पास कितना पॉइंट लगेगी, फिर रहेगा 7 × 14 फिर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लगभग ये वैल्यू आएगी 2.22। टोटल प्रतिरोध क्या होगा, इन सभी को हमें जोड़ना होगा टोटल, क्योंकि सारा ये सीरीज के अंदर है, तो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो 2.22 तो ये हो गया, उसके बाद इन बीच का कितना आया है, 2.4 ये बना है, 2.6 ये बना है। ठीक है, इनको हमें जोड़ना है, 2 × 6 = 10 और 2 = 12, 1 × 6 = 7, आंसर हमारे पास टोटल प्रतिरोध का आंसर कितना मिला है, 7.22। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है 12 वोल्ट की, तो करंट निकालेंगे तो क्या होगा, V/R होता है फॉर्मूला, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट और यहां पर कितना रहेगा 2.22, इसको आपको कैंसिल करना है, टोटल आपके पास क्या है, करंट निकल जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सिंपल सा है। देखिए 12 वोल्ट की बैटरी ए बी पर लगाने पर कितनी धारा देगी, यानी कि हम अगर यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो टोटल पर करंट कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप का हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया है वैसे तो। देखिए
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी पॉइंट दिए हुए हैं उसके हमेशा विपरीत साइड में चलना है, और विपरीत साइड में देखेंगे इन दोनों के अंदर करंट सेम रहेगा, तो करंट सेम रहेगा यानी कि 8 + 4 कितने हो गए, 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है हमारे पास, 12 ओम मिल रहा है। ये 12 ओम और ये 10 ओम किस में है, पैरेलल के अंदर है। तो देखिए 12 गुणा में 10 और 12 + 10 पैरेलल के अंदर आप इस तरह से करोगे, ऊपर गुणा नीचे दौड़, तो आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 120, नीचे कितना मिला है, 12 और 10 कितने हो गए, 22। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 6 और यहां तक हमने कितना निकाल दिया, 120/22। तो 6 और 120/22 प्लस में 28, ये सारे किस में है, सारे हमारे पास सीरीज के अंदर होंगे, तो इन सभी को हमें बस जोड़ना है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, पहले तो 2 से कर लेते हैं, 11 × 2 = 22, 2 × 6 = 12 और 0। ठीक है, अब देखिए 60.11, इसको और कैंसिल करते हैं, पॉइंटों में निकालते हैं, तो 11 × 5 = 55, उसके बाद 5 × 0 = 11 × 4 = 44, इस तरह से 5.4 हमारे पास ये मिल जाता है। अब 6 प्लस में 5.4 प्लस में 28, आपको ये जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए देखिए 5.4 हमारे पास यहां पर जोड़ेंगे, फिर हमारे पास क्या है, 6 रहेगा, 4, 8 और 5, 13, 13 और 6 कितने हो गए, 13 और 6 19, 1, 2 और 1 3, 39.4 टोटल आर कितना मिल गया, टोटल आर मिल गया 39.4 ओम, टोटल आर मिल जाता है। अब टोटल आर हमारे पास 39.4 है, तो करंट निकालेंगे, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 12 दे रखी है, आर कितना निकाल दिया 39.4, इनको डिवाइड करेंगे, टोटल करंट हमारे पास निकल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के क्या डेली आपको जो न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि हमने ये जो सारी डिस्कस किए हैं, ये तो हमने क्या है, अभी जो डीसी सर्किट हमारा चल रहा है, डीसी सर्किट के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे पास एसी सर्किट रहेगा उनके डिस्कस करेंगे, फिर जो मैग्नेटिक सर्किट रहेगा, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।